तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम है जो कि चेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारी नई चेक बुक है, यहाँ पर है जो कि एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह लिखा होता है, तो इसे हमने सिक्योरिटी के पर्पज़ से हाइड कर रखा है। और ये बिल्कुल नई चेक बुक है, हमें हाल फिलहाल में डिलीवर हुई है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाले हैं कि नई चेक बुक मिलती है तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप किसी को है जो कि चेक काट के दे सकते हैं, और इन सभी चीज़ों में है जो कि आपको क्या क्या भरना होता है। जैसे कि ये आपको शीट मिलती है एक चेक बुक के अंदर, तो इस शीट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। और उसके बाद है जो कि यहाँ पर आपको चेक मिलते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है वो सभी आपको बताएंगे। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, पहले तो एक आपको डेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस डेट वाले ऑप्शन में आप जो भी डेट भरेंगे अगले 3 महीने के लिए जो कि ये चेक वैलिड हो जाएगा, और इस 3 महीने के अंदर ये जो कि आपको ये चेक है जो कि कैश कराना होगा या यूज़ करना होगा। अगर इस डेट के बाद जो कि ये चेक को यूज़ करते हैं तो ये चेक इनवैलिड हो जाएगा, और इस चेक से आप किसी प्रकार की कोई पेमेंट लेन देन नहीं कर पाएंगे। बाद है जो कि पे का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर एक, तो इसमें उसका नाम लिखना होगा जिसको कि आप पेमेंट करने वाले हैं, उसका नाम लिखना होगा। यहाँ पर नीचे आपको एक रुपए का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको लिखना होगा उस रुपए की रकम जो कि आप पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी को 10,000 रुपये की पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर है जो कि 10,000 यानी कि 10,000 आपको वर्ड्स में लिख देने होंगे। उसके बाद है जो कि आपको रुपीज़ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको भर देनी होगी रुपीज़ इन नंबर, यानी कि नंबर के फॉर्म में है जो कि आपको यहाँ पर लिख देना होगा जिसको भी आप दे रहे हैं। उसके बाद इस वाले तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपका अकाउंट का नंबर, जो भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। और उसके ही नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ है जो कि नंबर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर जो आप फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो कि है 273911, तो ये जो नंबर है ये आपका चेक का नंबर है। चेक नंबर होता है जैसे कि आप कभी किसी को चेक देते हैं तो उसकी है जो कि नोट करने के लिए होता है। अगर कभी आपको स्टॉप चेक कराना हो या कैंसिल चेक कराना हो तो आप इस नंबर का जो कि इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो नंबर है यानी कि कोड है वो MIRC कोड है, जो कि हर बैंक का होता है, हर ब्रांच का होता है, तो वो वाला कोड है। इसके आगे आपको एक और कोड देखने को मिलता है, ये है आपका अकाउंट कोड, ये भी हर चेक पे लिखा होता है। बाद आप देखेंगे एक और कोड है जो कि 31 लिखा हुआ है, ये होती है आपकी ट्रांजैक्शन कोड। तो इस तरीके का कुछ चेक होता है। और यहाँ पर आप सीधा आएंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर है जो कि आपको एक ऑप्शन मिलता है साइन करने का, यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है, जो भी आपका नाम होगा वो नाम लिखा होगा उसके ऊपर आपको है जो कि साइन कर देना होगा, ये साइन करने की जगह होती है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि चेक में आपको भरनी होती है। तो एक बार मैं आपको भर के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे है जो कि आपको फिलअप करना होगा। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर चेक को है जो कि भर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर डेट डाली है दोस्तों, ये देखिए जैसे कि मैंने 10 तारीख डाली है, तो ये जो कि आप 3 महीने के लिए जो कि चेक वैलिड हो चुका है। इसके बाद है जो कि इस डेट के 3 महीने बाद तक आप कभी भी है जो कि इस चेक को है जो कि क्लियर करवा सकते हैं। उसके बाद है जो कि मैंने उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसको कि मुझे पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिखने के बाद जो कि क्रॉस करके है जो कि लाइन खींची है, ये आप सभी को भी खींचनी है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। अमाउंट आप लिख देते हैं तो उसके बाद भी आपको लाइन वगैरह खींच देनी है, यहाँ पर आपको अमाउंट भर देना है अपना जो भी है नंबर में, और उसके बाद साइन कर देना है। उसके बाद है जो कि आपका चेक कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपका चेक है जो कि आप जिसको भी देंगे वो चाहे तो कैश करा सकता है, चाहे तो अपने अकाउंट में जमा भी करवा सकता है। जो कि आपको ये चेक है जो कि कुछ इस तरीके से जो कि चेक बुक में से फाड़ लेना है, यहाँ पर जो कि एक स्ट्रिप बनी होती है, तो यहाँ से आप इजीली है जो कि इस तरीके से जो कि चेक को यहाँ से फाड़ सकते हैं। ये देखिए आराम से जो कि ये यहाँ से निकल जाता है आपका, तो इस तरीके से आप जो कि ये चेक दे देंगे। अब बताता हूँ आपको इस शीट को है जो कि कैसे भरनी है, जो यहाँ पर आपको चेक बुक में दे रखी है। तो इस शीट को दोस्तों कहते हैं ट्रांजैक्शन शीट, ये आपको हर चेकबुक में मिल जाती है। और जो सारी बैंकों की चेकबुक होती है ऑलमोस्ट है जो कि 90% सेम होती है, सब कुछ सेम ही होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या भरना होता है, जैसे कि ये आप चेक दे रहे हैं किसी व्यक्ति को मान के चलिए, तो वहाँ पर है जो कि यहाँ पर आपने जो डेट भरी है यानी कि किस डेट को आपने चेक काटा है, तो यहाँ पर आपको वो डेट भर देनी होगी, आपने जिस तारीख की भी यहाँ पर चेक बनाया है वो डेट, और चेक का नंबर यहाँ पर भर देना होगा। जैसे कि ये चेक का नंबर है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस चेक के है जो कि नंबर को आप यहाँ पे है जो कि भर देंगे, चेक नंबर भर दिया है, पेई नेम, पेई नेम मतलब आपने यहाँ पे किसको चेक दिया है।
तो जिसको भी चेक दिया उसका नाम यहाँ पे भर देंगे आप, और जो आपने यहाँ चेकबुक में लिखा है सेम वैसे ही भरेंगे। और यहाँ पर जो कि अमाउंट भर देना होगा आपको, यानी कि 10,000 का चेक दिया है, 10,000 आपको यहाँ पे भर देना होगा, और इसका काम है जो कि कंप्लीट हो गया है। ये इसको है जो कि ट्रांजैक्शन शीट वगैरह कहते हैं। तो इस तरीके से है जो कि आप अपनी चेकबुक भर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि कई लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं खुद पैसे निकालने के लिए अपने अकाउंट से, तो उस स्थिति में जो कि आपको क्या करना होगा, कैसे भरना होगा। तो जैसे कि मान के चलिए अभी तो ये हमने चेक बनाया किसी को देने के लिए, अब मान के चलिए इसी चेकबुक से हम दूसरे चेक से जो भी खुद पैसे निकालना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना होगा। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, पूरा सेम प्रोसेस रहता है, बस ये जो आपको नेम दिख रहा है अंकित कुमार, इसकी जगह जो कि आपको सेल्फ लिख देना होगा। सेल्फ लिख देंगे तो आपका है जो कि ये आप जो कि कैश करा सकते हैं अपने बैंक में जाके, कैनरा बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आप कैश उठा सकते हैं इजीली। यहाँ पे बस आपको नाम की जगह सेल्फ लिख देना होगा और आप आराम से कैश उठा सकते हैं। इस तरीके से सारे ही बैंक की जो कि चेकबुक एकदम सेम टू सेम होती है ऑलमोस्ट। यहाँ पर देखिए हमारे पास और भी बैंकों के चेकबुक है, देखिए पंजाब एंड सिंध बैंक का मिल जाएगा, कोटक बैंक, सबका एकदम सेम ही है ऑलमोस्ट, सब में सेम चीज़ें होती है। देख लीजिए अकाउंट नंबर है और कोड वगैरह है, चेक नंबर है, सब में सेम होता है। तो इस तरीके से है जो कि आप चेक का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट सारा कुछ है जो कि समझ आ गया होगा, और फर्स्ट टाइम ये चेक दे रहे हैं तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हो रिलेटिव्स हो सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि सबको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलेंगे किसी और नई वीडियो पे किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।